टू फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स तो आपने देखा होगा ना, है ना, जिसमें ऐसा रोल करते हुए बच्चे खेलते रहते हैं ना। तो कह रहा है कि टू फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर। हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, बात समझो क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ये रोलर स्केट है पहले बच्चे का, और इस पे ये पहला बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका मुंह इधर है, ये फेस है, इसकी नोज मैंने दिखाई है, आप अगर देख पाए तो, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा है, ठीक, दूसरा बॉय है, और इसका फेस इधर साइड है, ठीक, ये ऐसा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ है, कितना है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम इसके सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं 5 मीटर। अब ये सेंटर ऑफ मास आप पढ़िएगा 11th क्लास में, थोड़ा सा मैंने ग्रेविटेशन में आपको बताया हुआ है, ओके, ये 5 मीटर है। देखो बच्चों क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन पढ़ाओगे, कह रहा है वन ऑफ देम, मतलब समझना, जैसे आप मेरे सामने अगर खड़े हो जाओ ऐसे मेरी तरफ फेस करके, मेरा फेस आपकी तरफ, आपका फेस मेरी तरफ, तो मैं सपोज फर्स्ट बॉय, आप सेकंड बॉय, तो देखो जरा जो फर्स्ट बॉय है वो क्या करता है, कह रहा वन ऑफ देम थ्रोस, सपोज मैं वन ऑफ देम हूं, ठीक है, वन ऑफ देम थ्रोस अ बॉल ऑफ 2 किलोग्राम टुवर्ड्स द अदर। बॉल ऑफ 2 किलोग्राम इज वेरी गुड मास, ओके, तो देखिए 2 किलोग्राम मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, तो समझो जरा एक बार बताओ, अब ये 2 किलोग्राम का मान लो बॉल है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं बताऊं, आपको दो बॉडी दिख रही है कि एक बॉडी दिख रही है, हाँ मतलब है तो दो, पर सिस्टम तो एक ही है, ध्यान से चेक करो, सिस्टम एक ही है। अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना, मैं पहला बॉय हूं, मुझको देखो जरा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बॉल थ्रो करने जा रहा हूं सामने, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा क्या होगा जब मैंने ऐसे करके फेंका इसको। एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड था कि नहीं, बिल्कुल आइसोलेटेड था, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अरे ये पूरा सिस्टम था, सिस्टम कैसे बना, मुझको और बैक को मिला के सिस्टम बना, ठीक, तो जब मैंने इसको ऐसे फेंका तो सोचो जितना मैंने इस पे फोर्स लगाया होगा, मतलब फोर्स तो नहीं हम बोलेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम यहां मतलब फोर्स हम बोल सकते हैं, बट दैट इज द सेकेंडरी थिंग, पहले हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बताएंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, और जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो हम वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो सोचो अगर ये जितनी वेलोसिटी से ऐसे गया है तो उतनी ही वेलोसिटी से तो मैं पीछे जाऊंगा, मतलब उतनी ही वेलोसिटी से नहीं, सॉरी मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, उतनी वेलोसिटी से नहीं जाऊंगा, मतलब जितना मोमेंटम इधर है उतना ही मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कैसे बनता है, समझ लो ना, मोमेंटम तो बनता है किससे, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसका मास इनटू P is equals to m into v होता है, mass into velocity, तो जितना इसका mass into velocity होगा उतना ही मेरा कुछ ना कुछ तो mass है, mass थोड़ी ना मेरा कम या ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझको क्या मिल जाएगी, एक velocity मिल जाएगी automatically, ताकि मेरा m into v और इसका m into v equal and opposite हो जाए। तो क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जब तक तो मैं बॉल लेके खड़ा हुआ था, आप मुझे ध्यान से देखिए, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो, जब सब कुछ रेस्ट पे था, कुछ चल नहीं रहा था, मैं भी, ये भी कोई नहीं चल रहा था, तो टोटल मोमेंटम कितना था, जीरो, क्यों, क्योंकि हाँ आप ध्यान से करो, इसका मास अगर m1 है तो इसकी वेलोसिटी v1 जीरो है, m1 into v1, v1 कितना है, जीरो, तो इसका मोमेंटम जीरो, मेरा मास अगर m2 है तो मेरा वेलोसिटी अगर v2 ले लो तो v2 भी जीरो, तो m2 v2 भी जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, गन वाले क्वेश्चन पहले बच्चों, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे तो आपको क्लियर होता होगा, ठीक है, पहले की वीडियोस आप देखिए, ठीक है, तो बात समझ में, तो अभी जब कुछ भी मोशन में नहीं, हमने इसको फेंका नहीं, तो नेट मोमेंटम कितना है, जीरो है, करेक्ट, इसको जब मैं ऐसे फेंकूंगा फोर्स लगा के सामने आपकी तरफ, तब भी नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए, जीरो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना लगा, ये तो सिस्टम से ही निकल कर बाहर, ठीक उस तरीके से जैसे बम फटता है, सोचो जब, तो हम वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, जब बम फटता है तो वो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, जब उसके पार्ट्स इधर उधर जाते हैं तो इंटरनल फोर्स ही वहां पे काम करता है, उसी की वजह से वो इधर उधर सब तहस महस हो जाता है, ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स इधर उधर गए हुए हैं अगर हम उसका टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो हम 11th क्लास में करेंगे, तो कहीं ना कहीं नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जब बम नहीं फटा था, रुका हुआ था, रेस्ट में था, तब भी उसका नेट मोमेंटम कितना था, जीरो, तो यही चीज है कि अभी बम फटा नहीं है, सब कुछ रेस्ट में, तो नेट मोमेंटम जीरो, और जब हमने इसको जितना मोमेंटम दिया, मतलब हमने इसको वेलोसिटी दी फोर्स लगाकर, तो ये भी हमको कुछ ना कुछ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंपार्ट करेगा। तो पहला लड़का जिसने बॉल को आगे फेंका है, ठीक है, उसमें एक मोमेंटम पैदा होगा पीछे की दिशा में, और उस मोमेंटम की वजह से ये लड़का
ऑब्वियसली पीछे जब जाएगा किसी वेलोसिटी से तो इसके जो ये जो भी इसने पहना है अपने पैरों में रोलर स्केट्स, ये फिसल के ऐसे पीछे जाएंगे। तो सोचो अब ये लड़का जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ तो जगह नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, लड़का यहाँ आ गया तो इस पोजीशन से ये इतना हट गया और जाता ही चला जा रहा होगा, हमें नहीं पता कि फ्लोर कैसा है, स्मूथ है तो कोई बात नहीं, ये बात समझ में आई। तो इस लड़के पे आपने क्या लगाया बताइए, लॉ ऑफ फर्स्ट वॉय, जिसने बॉल को थ्रो किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वाई, बिकॉज सिस्टम वॉज, सिस्टम इज आइसोलेटेड। इसके पहले के वीडियो जो देखे होंगे वही क्लियर कर पाएंगे, सिस्टम इज आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब दूसरे लड़के को देखो, अब दूसरा लड़का है, ये देखो दूसरा लड़का है, ठीक। अब दूसरे लड़के के पास 2 किलोग्राम की जब बॉल आएगी और इसको ऐसे जैसे ही पकड़ेगा, एक बार बताओ, अभी लड़का बेचारा चुपचाप खड़ा था, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो लड़का दूसरा वाला खड़ा था इसका भी नेट मोमेंटम कितना है, अभी 0, करेक्ट, इसका भी नेट मोमेंटम 0 है, क्यों, खड़ा हुआ है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मास इनटू वेलोसिटी करोगे तो वी की वैल्यू तो 0 है, तो मोमेंटम आएगा 0, ठीक। लेकिन पता है जब सामने से बॉल आ रही, देखिए ऐसे ऐसे लेगा, एक बार बताएं, ये वाली बॉल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इस पर फोर्स लगा रही, तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बॉल आके उसके हाथों पे या उसकी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, तो ये लड़का पीछे तो जाएगा, लेकिन ये लड़का जब पीछे जाएगा तो आप इस पर ध्यान से सुनिए, आप इस लड़के पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। आप बोलेंगे हाँ भाई लड़के पे एक नेट फोर्स लग गया, लड़के पे एक नेट फोर्स लग गया किधर, मतलब इस दिशा में, बैकवर्ड दिशा में, और लड़का स्केट करते हुए पीछे चला जाएगा, तो बात समझ में। तो ये जो दूसरा लड़का है बच्चों, इस लड़के की स्थिति क्या होगी, इस पे बॉल आके जब ऐसे टकराएगी तो इस पे एक नेट फोर्स लगाएगी, और सिस्टम आइसोलेटेड नहीं क्योंकि बॉल एक्सटर्नल एजेंट है, तो एक्सटर्नली एक फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे, लड़का पीछे तो जाएगा, यानी कि इस स्थिति से ये लड़का कहीं यहां आ जाएगा, बट यहां पर हम क्या बोलेंगे, क्यों पीछे गया, रीजन क्या है, रीजन है नेट फोर्स, रीजन क्या है, नेट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल, नेट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल, कौन सी बॉल, जो पहले लड़के ने थ्रो की थी 2 किलोग्राम वाली, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि वन ऑफ देम थ्रोज अ बॉल ऑफ 2 किलोग्राम टुवर्ड्स द अदर, हु कैचेस इट, मतलब दूसरा लड़का जिसको कैच करता है, कह रहा है कि हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द टू, मतलब ये जो एक्टिविटी भी हुई कि पहले ने फेंका दूसरे ने पकड़ा, तो ये जो एक्टिविटी हुई है, जो क्रियाकलाप यहां पर हुआ है, ये किस तरीके से दोनों लड़कों की पोजीशन पे प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, तो बताइए दोनों लड़कों की पोजीशन में क्या प्रभाव आया, दोनों लड़के की भाई पोजीशन पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, यानी कि हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि दोनों लड़कों की जो पोजीशन में इफेक्ट आया वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, चेक करो सेपरेट हो गए, दूर दूर हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक। और क्यों हुए, जिस लड़के ने बॉल फेंका उस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिस्टम आइसोलेटेड था, लगाया इसके कारण उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक मोमेंटम मिलेगा जितना उसने आगे बॉल को वेलोसिटी देकर मोमेंटम बनाया है, बात समझ में आएगी नहीं है, और दूसरे लड़के पे नेट फोर्स लगेगा इसलिए वो पीछे जाएगा। अब यही बात हमने यहाँ लिखी, यही आप एग्जाम अपने आंसर में आगे लिख सकते हैं, हमने आंसर में क्या बोला कि सेपरेशन बिटवीन देम विल इंक्रीज, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा था क्या इफेक्ट आएगा इस एक्टिविटी का, तो हमने बोला कि भाई सेपरेशन दोनों के बीच का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लड़के दूर दूर चले जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि इनिशियली द मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ देम आर 0 एज दे आर रेस्ट, ठीक है, शुरुआत में दोनों लड़कों का मोमेंटम क्या था 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे, ये बात तो, क्योंकि दोनों में वेलोसिटी ही नहीं थी तो दोनों रेस्ट पे थे, ये बात हमने आपको बताई। अब हम पहले लड़की की बात कर रहे हैं जिसने बॉल फेंकी, हमने बोला इन ऑर्डर टू कंजर्व, ध्यान दें, इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम टू वन, मतलब उस लड़के के लिए मोमेंटम कंजर्व रखना है टू वन हु थ्रोज द बॉल वुड मूव बैकवर्ड, तो ये कठिन भाषा लिखी हुई है, कठिन सेंटेंसेस, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो, हम यहां लिखना चाहते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम टू वन हु थ्रोज द बॉल वुड मूव बैकवर्ड, मतलब कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जिस लड़के ने बॉल को थ्रो किया है मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उतना ही मोमेंटम वो भी गेन करेगा, वो कहां जाएगा बैकवर्ड, इतनी बात हमने लिखी, तो पहले लड़के की बात हमने यहां पर आपको लिख दी। अब दूसरे लड़के की बात, द सेकेंड बॉय विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स आफ्टर कैचिंग द बॉल एंड देयरफॉर विल मूव बैकवर्ड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मींस बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है तो बॉल पे लगने वाला फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में, तो लड़का भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिधर वो कड़ा है वो अपने पीठ की दिशा में जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा।
कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।